आज पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में, क्योंकि डायोड हमने पिछली बार पढ़ लिया था, तो आज हम ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक सबसे पहले अपन जानेंगे कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो ट्रांजिस्टर का जो काम है वो लो इनपुट सिग्नल को हाई आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो ऐसे सिग्नल जो है अपन ने बहुत में देखे होंगे, जैसे माइक्रोफोन में हो गए या जो माउथ होता है साउंड अपन देखे होगा, जो अपन बोलते हैं या जो नेता वगैरह भाषण देते हैं वो बहुत लो क्वालिटी में कम आवाज में होते हैं, लेकिन फिर भी जो स्पीकर में सुनाई देते हैं वो बहुत तेज आवाज होती है। तो ये सब जो है ट्रांजिस्टर की वजह से संभव हो गया है। जैसे अपन मान ले ये अपना हो गया यहाँ पे माइक, जहाँ पे लो इनपुट सिग्नल, अब यहां से जो जाएगा यहाँ पे मान लो ट्रांजिस्टर लगा रहेगा, अब ये इसको एम्पलीफाई कर देगा तो ये जो अपने को जो सिग्नल मिल रहा है वो हाई हो जाएगा। यहाँ सिग्नल मान लो जो छोटा सा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे जो अपने को लाउड स्पीकर मिलेगा वो इसको सिग्नल को प्रवर्धित कर देगा। तो ट्रांजिस्टर सबसे पहली चीज आती है किस चीज को बढ़ाता है, तो ट्रांजिस्टर सिग्नल के जो एम्पलीट्यूड होता है, जो आयाम होता है उसको बढ़ाता है। आयाम क्या होता है कि किसी भी वेव के लिए मध्यमान स्थिति से अधिकतम जो विस्थापन होता है वो आयाम कहलाता है। तो ये इसको प्रवर्धित करता है। जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका आयाम छोटा है, इसने ये आयाम बढ़ा दिया, तो ये बड़ा कहते हैं। अब जो आता है कि ट्रांजिस्टर का जब आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले किस चीज को यूज करते थे, तो हम ज्यादातर मात्रा में वैक्यूम जो ट्यूब है उसका यूज करते थे सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। लेकिन उसमें एक तो पावर ज्यादा खर्च होता था और दूसरा उसमें जो सिग्नल की क्वालिटी थी अच्छी नहीं रह नहीं पाती थी और वो स्पेस ज्यादा लगती थी, तो उस सब चीजों की जो हानियां थी उसको ओवरकम करने के लिए हमने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया। अब ट्रांजिस्टर जो है एक तो इसके ये सस्ता पड़ता है अगर आप इसको खरीदो, तो दूसरा इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल सिंपल होता है, तीसरी चीज है इसमें इतना कोई मेंटेनेंस नहीं होता और इसके जो एफिशिएंसी है वो बहुत ऊंच होती है। तो ये ट्रांजिस्टर का कुछ बेसिक था। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है कितने प्रकार के ये हो सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें एन और पी के दो पोल होते हैं, साथ जोड़ रहे हैं, दो जंक्शन ही फॉर्म करते हैं। उसके बाद सेकेंड आता है इसमें, वो आता है FET, FET होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसमें जो है स्थिर वैद्युत जो होता है या जो आवेश होता है स्थिर आवेश होता है उनका उपयोग करके सिग्नल जनरेट किए जाते हैं। तीसरा जो प्रकार इसमें आता है वो होता है UJT, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें एक ही एन और एक ही पी प्रकार के जैसे डायोड बनता था उस प्रकार का बनता है, जिसके कारण इसको UJT कहलाते हैं, एक जंक्शन वाला ये चीज होती है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि जो हमारा BJT है वो कैसे काम करता है या जो ट्रांजिस्टर है वो किस प्रकार इसकी वर्किंग रहती है। तो सबसे पहले हम दोस्तों ये देख लेते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है उसका वर्गीकरण होता कैसे, किस प्रकार से होता है। तो पहले हम इसके बात करते हैं मटेरियल के वर्गीकरण में। सबसे पहले क्लासिफिकेशन आपको याद रखना, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कैसे होता है। तो सबसे पहला होता है मटेरियल, हम कौन सा पदार्थ इसमें यूज कर रहे हैं। तो हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं, एक होता है जर्मेनियम और दूसरा होता है सिलिकॉन। अब इन दोनों में से भी जो ज्यादातर है वो कौन सा यूज किया जाता है, तो सिलिकॉन का उपयोग ज्यादातर किया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन की जो थर्मल स्टेबिलिटी है या जो तापमान सहन करने की जो क्षमता है वो सिलिकॉन की ज्यादा होती है। दूसरी इसकी खास क्वालिटी ये होती है कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मैंने डायोड में भी बताया था कि ये जो सिंपल मिट्टी आती है जो रेत उसी से प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग ज्यादातर किया जाता है और ज्यादा तापमान से सहन कर ही सकता है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो दूसरा आता है इसमें कि किसके ऊपर वर्गीकरण किया जाता है, तो ये कि पी और एन पदार्थ को अपन ने किस प्रकार जोड़ रखा है या ये किस प्रकार के जंक्शन फॉर्म करते हैं। तो पी व एन को जोड़ने के आधार पर, जोड़ने के आधार पर, अब इसमें जोड़ने के आधार पर जो होता है ये दो प्रकार से अपन जोड़ सकते हैं, एक PNP हो सकता है और एक NPN हो सकता है। अब इसमें दो पी के बीच में एक एन पदार्थ जोड़ रखा हो या दो एन के बीच में पी जोड़ रखा हो, अब हम यहाँ एक हल्का सा रिव्यू देख लेते हैं कि दोनों को पहचान कैसे करनी है, आपके पास PNP है या NPN है किस प्रकार है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि पी और NPN में क्या होता है या क्या क्या चीज रहती है। तो सबसे पहले मैं NPN का ड्रॉ कर लेता हूँ,
गया, बी हो गया, एन हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो। अब इसमें जो ये वाला हिस्सा होता है, एक यहाँ हिस्सा होता है, एक यहाँ होता है, ये हिस्सा कहलाता है एमिटर, ये हिस्सा कहलाता है बेस, और ये हिस्सा कहलाता है कलेक्टर। अब तीनों हिस्से इसमें हो गए, एमिटर, बेस, कलेक्टर। एमिटर मतलब उत्सर्जक, जो इस चीज को इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेंगे, बेस इसका आधार वाला हिस्सा हो गया, और कलेक्टर जो है इसको वितरित करेगा जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब इसमें अपन दो चीजें देख लेते हैं, एक तो इनका आकार और एक डोपिंग, इसको भी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। और डोपिंग हमने पढ़ लिया था कि सेमीकंडक्टर में अशुद्धियां मिलाई जाती है जिससे कि इसकी चालकता में वृद्धि की जा सकती है, वो प्रभाव या वो प्रक्रिया डोपिंग की कहलाती है। अब इसमें आता है आकार के सबसे बड़ा किसका होता है, सबसे बड़ा आकार होता है कलेक्टर का, उसके बाद सेकंड नंबर पर आकार होता है एमिटर का, और थर्ड नंबर का आकार होता है बेस का। तो आकार वाइज अपने को ध्यान रखना है कि सबसे छोटा होता है बेस, उससे बड़ा होता है एमिटर, उससे बड़ा होता है कलेक्टर। कलेक्टर का आकार बड़ा इसलिए रखा जाता है क्योंकि चलते टाइम अगर ज्यादा उसमें अवशोषित हो रही, अवशोषित करना या इसको ठंडा रखने के लिए बेस का आकार बड़ा रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें को अवशोषित कर सके। सेकंड आता है डोपिंग, तो डोपिंग में हल्का सा परिवर्तन होगा कि सबसे ज्यादा डोपिंग होती है एमिटर की, उसके बाद डोपिंग जो होती है वो होती है कलेक्टर की, और उसके बाद जो डोपिंग होती है वो होती है बेस की। अगर सबसे ज्यादा अशुद्धियां, सबसे ज्यादा चालक एमिटर को बढ़ाया जाएगा, फिर सेकंड नंबर पर कलेक्टर आता है, फिर थर्ड नंबर पे जो है अपना बेस आता है। तो ये दोनों चीजें आपको आकार और डोपिंग के हिसाब से इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दोनों चीजें आपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज आती है कि इसमें इस चीज को कैसे पहचाने या जो रिंग है वो कैसे है? तो सबसे पहले अपने को इसको पहचानने के लिए लेना है ओममीटर, ओममीटर ले गया, उसके बाद इसका बेसिक सिंबल मैं बना दू, ये इस टाइप का होता है ये। तो जिसके ऊपर तीर का निशान होता है वो एमिटर होता है, बीच वाला बेस होता है, और जिसके ऊपर तीर का निशान नहीं होता वो कलेक्टर होता है। अब हमको लेना ओममीटर, ओममीटर की जो ये मैंने यहाँ ले लेता हूँ एक ओममीटर, ओममीटर की पॉजिटिव लीड जो है एमिटर से जोड़ो और नेगेटिव जो लीड है वो कलेक्टर से जोड़ो। तो इस प्रकार जोड़ने पर हम देखते हैं कि ओममीटर में कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी, रीडिंग आने के बाद देखते हैं कि इसकी जो लीड है इसको रिवर्स कर दो, ये वाली लीड माइनस कर दो, ये वाली लीड प्लस कर दो। तो दोनों रीडिंग में हम अंतर देखेंगे कि जो सेकंड वाली रीडिंग है जब हम एमीटर को माइनस से जोड़ रहे हैं तो ये ओममीटर की ये रीडिंग पहले वाली रीडिंग से ज्यादा होगी, मतलब कंपैरिजन बहुत ज्यादा होगी। अब दो चीज आती है, इससे हम क्या चीज पहचान रहे हैं? तो इससे आपको एक चीज पहचानने में मदद मिलेगी कि अगर हमारे ओममीटर में जो भी रीडिंग आ रही है अगर वो पढ़ी जा सकती है तो इसका मतलब हमारा जो ट्रांजिस्टर बन रहा था वो जर्मेनियम का, मतलब आपकी जो रीडिंग है वो पढ़ी जा सकती है। और अगर सिलिकॉन का वो बन रखा तो ये कुछ मेगा ओम से लेके अनंत तक आएगी, इस रीडिंग को ओममीटर में पढ़ा नहीं जा सकता, ये बहुत ज्यादा रीडिंग होगी। तो ये दोनों है कि आपका अगर आपको ट्रांजिस्टर देते हैं जिसको पहचानना हो कि सिलिकॉन का बन रखा है जर्मेनियम का, तो हम ओममीटर की सहायता से ही आसानी से पहचान सकते हैं ट्रांजिस्टर का जो है क्विक एक टेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कि जो इसके चलने के लिए, ट्रांजिस्टर के चलने के लिए क्या चीजें जरूरी है, कैसे काम करता है, इसकी बाइसिंग कैसे होती है। तो ट्रांजिस्टर में देखो सबसे पहले दो चीजें ध्यान रखनी, एक तो एमिटर और बेस जंक्शन, ये हमेशा फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए। फॉरवर्ड बाइस कैसे होना था, एक बैटरी लो, अगर ये जो पी है उसको पॉजिटिव से जोड़ दो, हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया, और एम को नेगेटिव से जोड़ दिया, पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पी पॉजिटिव से जुड़ गया तो एमिटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस हो गया। सेकंड इसमें चलने के लिए क्या चीज की जरूरत है कि उसके बाद जो बेस और कलेक्टर जो जंक्शन है वो हमेशा रिवर्स बाइस होना चाहिए। अब रिवर्स बाइस में पी को नेगेटिव से जोड़ो, ये हो गया, एन को पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो इस दोनों के जो बीच में वो ई और पी कहलाएगा, एमिटर और बेस के बीच का वोल्टेज, और जो इन दोनों के बीच में वो कहलाएगा वीसीबी, या वीबीसीबी लिख सकते हैं अपन, उनकी जो बेस और कलेक्टर के बीच का वोल्टेज। तो ये दो शर्त हैं, आप एनपीएन पढ़ो या पीएनपी पढ़ो, दोनों प्रकार का किसी में भी अपनों को ध्यान रखना कि एमिटर और बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस ही होना चाहिए और बेस और कलेक्टर जंक्शन है वो हमेशा रिवर्स बाइस होना चाहिए। अब इसमें देखो मैं एक की वर्किंग आपको बता देता हूँ, ये किस प्रकार से काम करते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को पता है कि एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसके अंदर जो चिन्ह होता है
वो माइनस के होते हैं और पी वाले में होता है पॉजिटिव के। ये माइनस बना लो, इस तरफ भी माइनस बना लो। अब इसमें होता है एन टाइप में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन अधिकता में होते हैं और पी टाइप में होल अधिकता में होते हैं। अब सबसे पहले हम करते हैं एमिटर और बेस जंक्शन को जब फॉरवर्ड बायस में जोड़ देते हैं तो क्या होगा कि यहाँ के जो होल्स हैं वो इस साइड गति करेंगे और इधर होकर बैटरी के माइनस टर्मिनल पे आ जाएंगे, मतलब होल्स गति करेंगे इस साइड और इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करेंगे इस प्लस साइड आ जाएंगे। तो इसके कारण क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से आते हैं तो यहाँ जो धारा प्रवाहित होती है वो कहलाते हैं आईबी बेस एमिटर, मतलब बेस करंट, और जो होल्स के इधर जाने से धारा आती है वो कहलाती है आईई मतलब एमिटर करंट। लेकिन आप देख सकते हो कि जो बैटरी का पोटेंशियल है वो सेकंड वाले बैटरी का ज्यादा है, इसलिए ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से ना आके इस कलेक्टर रीजन में चले जाते हैं और कलेक्टर रीजन में जाने के बाद इस प्लस टर्मिनल पर आते हैं, तो यहाँ जो धारा प्रवाहित होती है वो कहलाती है आईसी। तो ट्रांजिस्टर में मेन चीज आप लोगों को जो बेसिक बेसिक ये ध्यान रखना, या फिर मैं एक बार से रिपीट कर लेता हूँ कि ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि के लिए आप एनपीएन बटर है पीएनपी बटर दोनों के लिए एक ही चीज अपने को ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो एमिटर और बेस जो जंक्शन है, जंक्शन यहाँ देख लो ये फॉर्म करना है J1 और J2। तो जंक्शन जो J1 है एमिटर और बेस के बीच में वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, इसका मतलब P पॉजिटिव से या N नेगेटिव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये सबसे पहली शर्त है ट्रांजिस्टर को चलने की। सेकेंड जो शर्त है कि जो बेस और कलेक्टर जंक्शन है वो हमेशा रिवर्स बायस होना चाहिए, और रिवर्स बायस होने के कारण क्या है कि आसानी से काम कर सकते हैं, इसकी जो पोलैरिटी है वो हमेशा ज्यादा होगी। तो अपन देखें जैसे अपन ध्रुवता इसमें करते हैं तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कुछ इस प्लस पे चले जाते हैं कुछ इधर चले जाते हैं, जबकि होल से जो इस साइड गति करते हैं। तो होल से इधर गति करने के कारण एमिटर से जो करंट जाएगी वो एमिटर करंट कहलाएगी, कुछ करंट बेस में से जाएगी वो बेस करंट कहलाएगी, और कुछ करंट जो कलेक्टर में से जाएगी वो कलेक्टर करंट कहलाएगी। अब हम इसमें देख सकते हैं कि क्या होता है कि एमिटर जो करंट है वो किस किस का योग होता है, तो वो दो का हो सकता है, एक तो आपके आईबी प्लस आईसी, ये भी एक रिलेशन होता है, तो अपने को ध्यान रखना है कि एमिटर करंट किस किस का भाग होता है। इसी प्रकार पीएनपी की भी संरचना होती है, इसकी भी क्रियाविधि सेम इसके जैसी, उसमें ध्यान रखे जैसे ऐसे ये अलग से पढ़े जैसे कोई चीज नहीं, आप अगर ये आपको समझ में आए तो आप दूसरे वाले को भी ध्यान रख सकते हो। अब इन दोनों में से चीज ये आती है कि पीएनपी और एनपीएन में से कौन सी चीज है जो ज्यादातर यूज की जाती है, तो हमको ध्यान रखना है एनपीएन वाला जो ट्रांजिस्टर है वो ज्यादातर यूज किया जाता है पीएनपी के कंपैरिजन में, क्योंकि एनपीएन की जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत अच्छी होती है। अब उसके बाद आता है और भी वर्गीकरण इसमें है जो अलग अलग प्रकार से आता है कि इनकी पैकेजिंग कैसे होती है, मेटल की है या बहुत सारी चीजें अलग अलग प्रकार के आती है, जंक्शन कैसे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक ट्रांजिस्टर का है वो ये है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ट्रांजिस्टर की समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आपको इसमें कुछ भी चीजें रह जाती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं जिससे कि मैं इसमें और सुधार कर सकूं। और इसी तरह के वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें।